सूरत कोर्टमां राहुल गांधी आवनार होवाथी तेमना समर्थको सूरत नहीं आवे ते माटे दक्षिण गुजरातमां पुलिस द्वारा कांग्रेसना आगेवानोने वहेली सवारथी ज तेमना घरोमां नजरकैद करी देवामां आव्या छे। कांग्रेसना राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी मानहानिना दावामां थयेली बे वर्षनी सजा सामे अपील करवा माटे सूरत कोर्टमां आवनार होवाथी तेमना समर्थकोए सूरत आववानी तैयारीओ करी हती। जो के सूरत जिल्ला कांग्रेस प्रमुख मनहर पटेल सहितना अग्रणीओना घरे मोड़ी रातथी ज पोलीस बंदोबस्त गोठवी दई तेमना घरोमां नजरकैद करी हूँ मनहर पटेल, प्रमुख सूरत जिला कांग्रेस समिति। आज रोज अमारा राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी सेशन्स कोर्ट में कोर्ट की कार्यवाही अंगे आवाना था। अमारा समग्र सूरत जिला दक्षिण गुजरात में तमाम जिल्लाओमांथी मोटी संख्या में जिला प्रमुखश्रीओ, तालुका प्रमुखश्रीओ, तमाम होद्देदारों, सेल फ्रंटलना बधाज मोटी संख्या में उपस्थित रहीने राहुलजीना समर्थन में त्यां उभा रहेवाना हता। शांतिना नियमों साथे, शांति अने शिस्त साथे अमे गांधी चिंडिया मार्गे चालवावाळा लोको छीए अने शांतिथी अमे राहुलजीना समर्थन में उभा रहेवाना हता। न तो कोई सूत्रोच्चार के काई नहीं, पण लोकशाही ने संविधान ने जेणे बानमां लई लीधुं छे एवी तानाशाही सरकारे आ गुजरात में फरी एक वार दक्षिण गुजरातना तमाम नेताओं ने रात्रे मधरात्रे थी एना पोताना घरे ज नजरकैद कर्या छे, डिटेन कर्या छे। सूरत शहर तरफ जता नवसारीनो रस्तो होय, वलसाड़नो होय, तापीनो होय, सूरत जिल्लानो होय, ए तमाम रस्ता उपर चेक पोस्ट उपर पोलीसने उभी करी देवामां आवी छे। ने अमारा जे कोई आगेवानो कार्यकरो राहुलजीना समर्थन में जवा मागे छे ने जता रोकवामां आवे छे। आ एवो एवी कारो कायदो एवं मने लागे छे ने पाछला बाणे कांग्रेसनुं मॉडल तोड़वा मागे छे, राहुलजीने मॉडल तोड़वा मागे छे। पण अमे बधा गांधीजीना चींडिये चालवावाळा लोको छीए, अमे फूटपाथ पर रहीने घरमां रहीने पण अमे टाकाथी लड़ता रहीशुं ने गुजरातनी जनता, आ देशनी जनता पण जोई रही छे के लोकशाहीने अने संविधानने केवी रीते तोड़वामां आवी रह्युं छे। મારે વધારે કહેવું નથી, અત્યારે તમામે તમામ તાલુકા જિલ્લાના અમારા હોદ્દેદારોને પોતપોતાના નિવાસસ્થાને ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે। અમારો અવાજ, અમે ગાંધી ચિંધે ચાલવાવાળા લોકો છીએ, આવનારા દિવસોમાં રાહુલજી અને અમે બધા જ કોંગ્રેસ એમના સાનિધ્યમાં ડરો મત મક્કમતાથી નીકળશું અને લોકશાહીનું રક્ષણ કરતા રહીશું। જય હિન્દ, જય કોંગ્રેસ।